कभी म्यूजिक एल्बम कंपोज कर चुके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर विरल आचार्य रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर होंगे। 20 जनवरी को वो अपना पदभार संभालेंगे। 3 साल तक वो डिप्टी गवर्नर के पद पर रहेंगे। पदभार संभालने से पहले ही अपनी रिसर्च में विरल भारतीय बैंकों के निजीकरण की सिफारिश कर चुके हैं, साथ ही वो GST के समर्थन में भी हैं। कॉलेज के सब साथी चले संग संग जो राही। ऐसे गाने बनाने वाला शख्स भारत की आर्थिक तकदीर बनाने में अहम रोल अदा करेगा। सुर और ताल में रुचि रखने वाला अब भारत के रुपए पैसों का लेखा जोखा तैयार करेगा। यह है विरल आचार्य, जिन्हें RBI का डिप्टी गवर्नर चुना गया है। 42 साल के विरल 20 जनवरी को RBI में डिप्टी गवर्नर का पद संभालेंगे और 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। विरल इस वक्त न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। 1995 में मुंबई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद वो अमेरिका आ गए थे। सितंबर के महीने में उर्जित पटेल को RBI का गवर्नर बनाने के बाद डिप्टी गवर्नर का पद खाली था। ये पहली बार नहीं है जब विरल की फाइनेंस सेक्टर में नियुक्ति हुई है। उनके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करने का अनुभव है। वो बैंक, कॉर्पोरेट फाइनेंस और क्रेडिट रिस्क के रिसर्च वर्क में शामिल रहे हैं। विरल आचार्य NPA से निपटने के लिए बेड बैंक बनाए जाने के समर्थक रहे हैं और इस बात की सिफारिश उन्होंने भारत के बैंकों के लिए भी की थी। एक रिसर्च पेपर में आचार्य ने भारत के सरकारी बैंकों की कमजोर हालत का विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा था कि बैंकों का निजीकरण होना चाहिए और बैंकों को सरकार की गारंटी और सब्सिडी खत्म करने की बात कही थी। विरल ने भारत में बेड बैंक मॉडल विकसित करने की सिफारिश की थी। बैंकों की समस्या खत्म होगी तो कर्ज सस्ता और आसान होगा। ऐसे में भारत की ग्रोथ रेट 10-20% तक हो सकती है। विरल खुद को गरीबों का रघुराजन बनने का सपना देखते हैं और ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कही थी। मैं 2013 में डायचे बैंक के प्रोग्राम में जा रहा था। फ्लाइट में बैंकिंग से जुड़े कुछ कागज पढ़ रहा था तो एक यात्री ने पूछा, आप रघुराजन हैं? तब मुझे लगा कि अगर मैं राजन की तुलना में 5-10% भी काबिल होता तो आसानी से गरीबों का राजन बन सकता हूँ। विरल आचार्य 3 साल के लिए डेप्यूटी गवर्नर के पद पे चुने गए हैं। आचार्य GST बिल के समर्थक हैं और उन्होंने अक्टूबर के महीने में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की तरफ है। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन की तरह विरल भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और शायद इसीलिए उन्हें गरीबों का रघुराम राजन कहा जा रहा है। फाइनेंस में PhD कर चुके विरल आचार्य अर्थशास्त्र को बखूबी समझते हैं। क्रिकेट खेलना उन्हें पसंद है। वो IIT मुंबई की क्रिकेट टीम में एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं। विरल आचार्य शायरी भी करते हैं और गानों के शौकीन भी हैं। 10 साल पहले उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च भी किया था। आशीष सारस्वत, इंडिया TV, दिल्ली।